एवरीबॉडी, कैसे हैं आप क्या हाल है सब? आप लोगों के? कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है आप? बहुत से लोग हेरा मानी बोल रहे थे कि आप आए हुए हैं। मैंने कहा हेरा जो है यार, थोड़ा थोड़ा रमजान यू नो इफ्तार एंड इबादत में गुजर गया 15-16 दिन। और अब आप, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं टीवी पे देखती क्या हूँ आजकल। हम देखते हैं एनिमल प्लेनेट, एनिमल प्लेनेट, नेशनल ज्योग्राफिक। और इससे इतनी पॉजिटिविटी मिलती है। अभी मैं आपको बल्कि दिखाती हूँ इसको ऐसे करके। ये देखें, ये अब्बू बैठे हुए हैं मेरे प्यारे से और हम देखते हैं एनिमल प्लेनेट। अभी हम फिश वाली डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं कि लोगों ने दुनियावी चीजों में फंस चुके हैं हम। जरा ये देखें ड्रामों से बाहर निकल के कि ये कितनी खूबसूरती है। ये देखें मछलियां, सुकून। अब मानी कह रहा है ज्यादा ही ओवर हो रही है ना, हाँ, तो हम आपस बात कर लेते हैं। गोरे जो है ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, पता नहीं किन पैसों में लगे हुए हैं। हमारे जो लोग हैं आपस में, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? कितना मिस किया आप लोगों ने? मिस हाँ किया हाँ नहीं किया? कितना वैसे मिस मुझे किया। रोजाना DM पे मैसेजेस आते हैं, अदर देन राशन वो मैसेजेस भी आते हैं कि सिर्फ हेरा। तुम्हें नहीं आते, मेरे अब्बू को भी आते हैं, मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं उनको भी आते हैं। मेरी दोस्त है अंबर, उनको तो स्पेशली मैसेज किया जाता है कि अगर आप हीरा मानी से मेरी बात करा दें। तो मेरे जितने भी फैंस हैं उन सबको मेरा बहुत प्यार। अच्छा मानी, असल में हुआ ये था कि व्हाट डू यू हम बोर मानी? हो गए थे। हमने जब किया लाइव तो डेफिनेटली सब पूरी इंडस्ट्री ने स्टार्ट कर दिया। हमने पहले दिन किया था क्वारंटीन के फर्स्ट डे, और उसके बाद सबने स्टार्ट किया, अच्छा लगा, सबने आगे एक्सप्रेस किया। डेफिनेटली हम ये काम बहुत पहले से कर रहे हैं। मुझे 20 साल हो गए हैं टेलीविजन पे बोलते हुए। हेरा को कोई 8-9 साल हेरा को भी हो गए हैं, 10 साल, 10 साल हेरा को भी नहीं, 10 साल को नहीं, पहले 2 साल साल में निकाल अगर लो। 4 साल तुम होस्टिंग को दे दो, 6 साल, और बाकी के 4 साल एक्टिंग, तो 10 साल हो गए मानी मुझे भी। तो चले हम तो बातें बना लेते हैं तो, लेकिन मुझे बुरा ये लगा जिस दिन से हमने बंद किया सबने बंद कर ये दिया। क्या बात हुई ये यार? बड़ा गलत है क्योंकि हम बाकी लोगों को देख रहे थे, हमें मजा भी आता है कुछ लोगों को देख हाँ, के, हम लोग कुछ देखते लोगों को हैं। हमने देखा और नहीं और भी देखा। जब मेरा जिक्र हुआ तो वो हंस दे, बस हंस दिए बस। अच्छा ऐसे भी हो, चलो कोई बात नहीं, हम भी हंसी है। लेकिन मानी मुझे लगता है तारीफ करने का भी एक जर्फ होता है, वो हर बस किसी में नहीं होता। मेरे में तो बहुत ज्यादा है, मेरे में भी बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है बढ़ कि चुकी ये है। अपने अंदर आप लोगों को पैदा करना चाहिए। जितने भी लोग हैं ना जो मुझे अभी देख रहे हैं सुन रहे हैं, अच्छी चीज की जरूर तारीफ करें। बर्दाश्त जो है वो हमारे गांव में खत्म हो गया बाबू। इसलिए वाह, बाबू चक्कर ये है कि बर्दाश्त खत्म हो गया है। हर हाँ एक को जाना है और दूसरे को आना है, फिर उसको भी जाना है, दूसरे तीसरे को आना है, सिलसिला लगे रहना है, तो दुनिया हर ऐसी हर चलेगी। हर दफा बैंक का भी बैंक मैनेजर चेंज होता है। बिल्कुल होता है, तो दुनिया में ऐसे लोग आएंगे, हाँ चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, हाँ चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो दुनिया के लोग हो, वो तो चेंज होते रहेंगे। तो ये तो हमने सीखी है इस बात से कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। ये फेम, ये दौलत, ये शोहरत, ये सब आरजी है भाई। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मगर क्या था, कागज की देखते कश्ती ही तो। पानी, बारिश का हाँ, पानी। बचपन के दिन जो होते हैं ना वो कभी नहीं आते वापस, तो इसलिए वो एंजॉय करें, रिलैक्स रहें। हाँ, और ये कि काफी ज्यादा ओपिनियटेड लोग हो गए हैं, हर चीज में बड़ा ओपिनियन दे रहे हैं। ये भी मैंने स्टार्ट किया, ये मैं क्लेम कर रहा हूँ, ये मैंने स्टार्ट किया आज से कोई 20 साल पहले। मुझे याद है जब मैंने इंडस म्यूजिक पे, जब अनुशा डीनो फैजान, ये मायरा वायरा लोग जो थे, ये वीजिंग करते थे, तो मैं एक क्रिटिक था। वो जो आजकल बच्चे बने हुए ना बहुत सारे यूट्यूबर्स, तो मैं वो करता था। और मैं बहुत मुझे बैशिंग होती थी, किस तरह से जो सिंगर होते थे वो शिकायत करते थे मेरे सर को, मतलब फरली साहब को। ठीक है। और फिर वो दिन मेरा बड़ा बुरा अच्छा, होता मैं था। गेस करती हूँ कि किस सिंगर ने बुराई की होगी स्पेशली आके। क्या कैन आई गेस? दो तीन मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं आज हाँ, तक। मैं गेस करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनके इंटरव्यूज ले चुकी हूँ सबके। हारून का भी लिया मैंने। मैंने जो है हारून से, मुझे याद आया, फाखिर ने तो नहीं कहीं कंप्लेंट की थी? नहीं, फाखिर तो मुझे हमेशा घर में भाइयों की तरह रहे। अच्छा, फाखिर ने नहीं की? मैं नहीं बताऊंगा, वो नाराज हो जाएंगे ना उससे लोग, जिनके जिनका हुआ है। नहीं, आप नाराज क्या, आप तो बस। एक दो फाखिर को मैंने, वो एक फाखिर को मुझे याद है, एक फाखिर सेकंड, अरे किसने की थी फिर? एक दो हुआ ये कि एक शो पे फाखिर अपने ना एक इंटरव्यू में कुत्ते के साथ आए, बहुत पहले की बात है ना, 13-15-17 साल पहले की बात है, अच्छा, 17-18 साल। फिर तो वो क्योंकि हम मानी सेज करते थे एक प्रोग्राम, जो अभी बड़े हो चुके हैं बच्चे उनको याद होगा,
बच्चों को नहीं बताओ मुझे तो मानी सेज में होता ही ये था कि आप मौका दे और मैं टेक करूँ। और एक शो तुमने बस तुमने एक शो मुझे याद है कि तुमने बोला था किसी एक्टर को कि टाइटैनिक किसी ने बनाई है तो आप ये कहती है कि आपने बनाई आपकी सोच है तो हम कैसे माने। आप ये क्यों कहती है कि जो चीज पहले हो चुकी है ये आपने की है। हाँ, ये मैंने बहुत बोला है। ये मैंने बहुत ये हरकतें की हैं। जब मैंने बहुत ही हरकतें कर ली ना तो फिर मुझे ये थक गया कर करके, क्योंकि आपको कर ही नहीं पाएगा टेलीविजन पे, तो कोई किसी का बात नहीं कर पाएगा। बता रहा हूँ आपको, टीवी पे अगर कोई अभी कर ले तो नहीं, नहीं, अब क्या होता है, अब ये होता है नया चक्कर ये कि एमसीक्यूज होता है। एमसीक्यूज में अपने दिल की बात आप करते हैं और किसी और के नाम से कर रहे होते हैं, चार नाम दे देते हैं, बेचारा जो गेस्ट होता है वो फंस जाता है। गेस्ट बेचारे भी हमारे लल्लू हैं, उनको भी बचना नहीं आता, वो भी फंस जाते हैं। मतलब यहाँ पे होती है आईक्यू आती है। तो मेरा ये होता था, मैं तो अपना ओपिनियन देता था शो में, तो इसलिए मैं बदनाम भी था शदीद। तो फिर जब मैं मेहरा से मेरी शादी हुई, शादी के बाद हमने शो शुरू किया माँ हम तो हमारे शो, उस वक्त मेरा असल मानी शो बड़ा सुपरहिट शो चल रहा था, मैंने वो क्विट किया। तो रमन मकसूद के आने से पहले तुमने बोला था मैं लिंक बैक पढ़ूंगी, मैंने तो खुद अच्छा एक क्या था एंटी नार्कोटिक्स नहीं कुछ था, हाँ, एंटी नार्कोटिक्स था, नार्कोटिक्स। तो मुझे ना उस वक्त वो प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा था। बहुत फनी सीन था, प्रिया ब्रांड था तो ना वो नहीं, एंटी नार्कोटिक्स डे था मानी। सही है। तो मानी को अक्सर होता था कि मैं प्रोनाउंस कहीं गलत ना कर दूं, क्योंकि लिंक आपको देनी होती है कि आपको कोई ब्रांड, अगर आपको ब्रांड कर रहा है तो आपको उसको सही प्रोनाउंस करना चाहिए। तो वो था कि मुझे था कि नहीं मैं ही लिंक बोलूंगी, एंटी नार्कोटिक्स डे है। अभी भी पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ। अच्छा तो मैंने कहा ठीक है बोलो, तुम बोलो। और यहाँ अनमन मकसूद सामने बैठे हुए हैं, एज अ गेस्ट सामने की तरफ बैठे हुए हैं, साथ ही प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जैसे प्रोग्राम के उन्होंने बोला ना कि 50 सेकंड्स 20 सेकंड्स, मैं उठ के चला गया सामने की तरफ। हाँ। पीछे मैंने बोल अकेले, और ये इसकी आंसू बह रहे थे और ये बोल रही थी ये शो शायद पड़ा होगा। और फिर अनमन मकसूद ने मुझे याद है नहीं, उसके बाद फिर वो कोई उनकी सर्फ एक्सेल की कैंपेन भी थी, जिसके अंदर वो बच्चों गरीब बच्चों की तस्वीरें दिखा रहे थे, जिसकी उन्होंने उनकी मदद की थी और उन्होंने तस्वीरें दिखाई। तो मैं रो रही, मतलब वो हम ब्रेक से वापस आए, मानी नहीं था, मैं अकेली थी और मैंने कभी भी अकेले मैंने शो ओपन नहीं किया। मतलब मानी हमेशा होता था और मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैं ब्रेक से वापस आई हूँ, मानी नहीं है बराबर में, मैं अकेली थी। तो ओपन भी किया, मैंने ओपन किया शो जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे आंसू गिर रहे थे धड़ाधड़। और अनमन मकसूद पे हीरा, और क्या मैनेज किया उन्होंने, उन्होंने कहा हीरा मैं समझ सकता हूँ बेटा, जो अभी मैंने हीरा को कुछ तस्वीरें दिखाई थी बच्चों की जो के बेघर बच्चे थे, तो हीरा को रोना आ गया। और वो नहीं, और लेकिन ये ढीठ मानी कैसे मस्ती याद है ना, उसके बाद जो फवाद शूट करके गया सुपर हिट हुआ। तो मुझे याद है फवाद को हम देखो कुछ होते हैं गेस्ट मजे के, जैसे माहिरा खान क्योंकि खुद होस्ट थी तो इसलिए हमें मजा आता था कि माहिरा खान को शो पे गेस्ट भी अच्छे होना जरूरी है। और यार वो शो था मरीना खान थी और माहिरा खान थी और यूनुस जानी था और गाना चला था रुम टुम्बा रुम टुम्बा रुम टुम्बा और ये दोनों डांस कर रहे थे मरीना और माहिरा खान और मायरा महीना मरीना डांस कर रहे थे उसमें और बड़ा हमसे प्यार करो बॉटम बोर्ड पटपट यूनुस जानी वो जो उन्होंने गाया है, ये गाना भी याद है पापी चूलो पापी यूनुस जानी में। हां बताओ वो है जिन्होंने वो अजीम गाना गाया था पापी चूलो, एक लड़की भोली भाली की मवाली, और
कभी मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, पलट के हो क्या रहा था ये, इस तरह करके वो गाना था। और जो और इसका जो रुमटुम्बो गाना था ये, प्लीज आज हम ये गाना लगाएंगे, आज हम यूट्यूब से उठा के और वो बहुत अच्छा गाना था। और आप सोचे दी माहिरा खान The legend. और मरीना खान जो बर्गरों की भी सरदार है, ये दोनों इस मरीना पीर ज्यादा वाला शो आया था तो मुझे उन्होंने बड़ा अकेले बिठा कर मुझे कहा मुझे समझ नहीं आ रहा हेरा सब तुम पे इतना क्रिटिसाइज क्यों करे, तुम तो बहुत मजे की हो। वो एक घंटा उन्होंने शो देखा मेरा, सेकंड पार्ट भी उन्होंने बहुत तारीफ की मेरी। ये वो अजीम गाना था जिसमें माहिरा खान, मरीना खान, मानी और हेरा, इन्होंने बकायदा हम सब ने रक्स ये किया। वो शोज थे रक्स। यार वो शो कहाँ से मिलेगा मानी, हम तो हमारा शो पहले पिक्चर दिखाऊंगा अभी आएगा। जितने फैन थे हेरा के, आज का आपको एक हमें हमारी तरफ से सबक ये मिला है कि आज आपने यूनुस जानी को निकाला है, घूम रूम टुम्बा गाने का नाम है, रूम टुम्बा रुम्बो टुम्बो, ये आपने डाउनलोड करना है, रुम्बो टुम्बो 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 टुम्बो, और उसपे लिखा होगा पापी पापी। हाँ पाप, एक लड़की बोली भाली, उनका एक लेजेंडरी गाना था, उसके बाद आप बंद कर देंगे। हाँ उसके बाद हम चले जाएंगे। जो लोग बुरे कमेंट दे रहे हैं वो तकिए महमूद है और सो जाए बॉस, क्योंकि वो वाला मोड है मेरा, वो वाला मानी मानी सेज मानी सब वाला, ये हमेशा ही रहता है मेरे साथ ही रहता है, मुझे देखना है सब कुछ गाना है। ये कौन है? समाओ समाओ लेजेंड यूनुस जानी, लेजेंड यूनुस जानी मारे दिखाओ ना। हाँ हाँ यही दिखाएंगे आज हम। ये बंदा लंबी नशा करके आया है यार, लेकिन यूनुस जानी का अपना गेम है, गेम है लियर ही गेम भाई। तुम भी हिला दियो चूलो चूलो, चलो भाई बस निकालना है अब ये आज का सबक है आपको। जितने हेरा मानी फैन है, जितने मानी फैन है, आप लोगों ने काम करना है, यूनुस जानी का गाना ये वाला नहीं, वो रूम टुम्बा निकाल के उसको पहले यूट्यूब पे जाएं, 1 मिलियन टच कराना है आपने। आज वो दिन है जो कि रूम टुम्बो का दिन है आज, क्योंकि मैं हम बात कर रहे थे हम तो हमारे शो की, और हमने ऐसी बात करते करते हमें एक शो याद आई जिसमें महीना खान और माहिरा खान दोनों आई हुई, दोनों आई हुई, महीना पर भी कैनेडा नहीं थी उससे जाने से पहले की बात है। हाँ, शायद, शायद और माहिरा का टाइम वो था, लेकिन इस शो में हमारे बहुत से लोग आए, बड़ा मजा आया भैया। यार वीडियो मेरा पहले पहले शो किसके गेम में हुआ था, तुम जो पहला था इंटरव्यू था हमारे सईद और वो हमारे भाई थे और वो जाने से थे। हां यार ये दोनों आए थे शो पे और बड़ी बात थी कि वो बड़ी बात है हमारे पहले शो में, और वो अभी तक माशाल्लाह से हां गेम है भी। तो हमारे भाई थे और जाले जाले को मैंने पहला इंटरव्यू, आप सोचे मतलब मैं इससे पहले मैंने शिमून और उसका लिया था, नहीं पहला अच्छा वो स्पीच शो था। हां हम तो हमारे तो असफर था ना, और शमून थे। हाँ। और एक और कोई कपल था, नहीं ये चार दो कपल थे, थे। हाँ। वो ये कपल था और वो अच्छा शो था, मजे का हुआ था वो भी है ना। लेकिन वो सेकंड शो मेरा ये था ये वाला
उसमें मैंने जारे को अजीब सी बात बोल दी। क्या बोला था? मैंने बोला था कि आपने बिल्कुल कंफ्यूज थी, आपने कम यानी आप तो डिजास्टर है सारी हीरोइनों के। मैंने कहा डिजास्टर, मेरा मतलब है और हीरोइनों के लिए आप मतलब डिजास्टर में चली चली गई डिजास्टर। भाई ये गबल्ले थे उस शो पे, अब तो माशाल्लाह से हम मेरे बहुत गबल्ले थे शो पे। इस पे तुम कुछ भी बोल देती थी। मैं कुछ भी बोल देती थी, मतलब हमने क्या क्या किया उस शो के अंदर, एक दो याद है हमने एक शो किया था इसके अंदर। अच्छा वैसे लोग मुझे अक्सर पर्सनैलिटी मेरी अब जो देखते हैं कहते हैं यार ये तो कुछ भी बोल देती है। अगर लोगों ने मुझे देखा हो पिछले 10 साल से मैं कुछ भी नहीं बोलती, मुझे अगर 20 साल से देखा हो तो मैं कुछ भी बोलता। हम बड़ा चैनलाइज समझ के होके और सोच समझ के कुछ भी बोलते, सोच समझ के हम कुछ भी बोलते हैं। बाल लगना गलती कट गए, सही कट गए, खा खा के मैं कुप्पा हो गया मोटा। नहीं नहीं अच्छे लग रहे हो मुझे ऐसे, अच्छे वेट जो है ना बेसिकली कुत्ते की तरह बढ़ गया। अच्छा मैसेजेस तुम्हारे फोन में पढ़ने तो ज्यादा मजे की बात होगी। तो एक लड़की भोली भाली दिल चुराती और भी हंसाती, मैंने उसको देखा था दादा दादा मेरे दिल में पाकोला, आखिर में पाकोला भी बोला ब्रांड के लिए कोशिश की। आप एक बात पूछो, आप अगर पिक में अपना एक वॉच पहने होती, ओ यार कैसियो की वॉच है, बिलाल मकसूद दो लोगों को देखा जी हमने। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि कैसियो की वॉच, कैसियो की वॉच के पीछे एक स्टोरी है। अच्छा वो स्टोरी ये है कि मुझे ना बहुत एंटीक पुरानी चीजें नहीं जो पुरानी चीजें होती है वो मुझे बड़ी पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत महंगी वॉच नहीं ले सकती, बट मुझे नहीं ले तो मुझे लगता है कि कुछ डिफरेंट सा कुछ टच होना चाहिए। तो ये वॉच मेरी बहुत पुरानी है, कैसियो की वॉच। मुझे याद है जब मैं बैंकॉक पहली दफा गई थी ना तो मैंने ली थी, तो मैंने वहां से ली थी ठेले पे से, और जो वहां के ठेले लगे होते हैं, हाँ अच्छे होते हैं यार, अच्छे होते हैं। तो वहां से मैंने ली थी और फिर ये रखी हुई थी और फिर मैंने एक दो दफा पहनी थी शुरू में और फिर मैंने दोबारा पहनी थी। तो ये क्यूट बेबी कह रही है हिरा आओ, ख्वाजा समथिंग कह रहे हैं आई एम योर बिगेस्ट फैन, थैंक यू ख्वाजा। तानिया कह रही है हेलो गाइस, हाय तानिया, यू लुक ब्यूटीफुल। कोई बात पूछे, खूबसूरत तो है हिरा, सबको पता है ना। आपी मेरी विश पूरी कर दे, फॉलो पता नहीं हीरा ही कर रही है, मैं तो नहीं कर रहा किसी को फॉलो, मैंने सिर्फ अपने मैं कर लूंगी करीबी दोस्तों को, एक अली गाजमी को मैंने फॉलो किया हुआ है खाली, क्योंकि कि एक बंदे को फॉलो किया अली गाजमी को, एक हीरा को किया है और मैंने हबीब को फॉलो किया हुआ है, मेसी को किया है, मैराडोना को किया है, रोनाल्डिनियो किया है, रोनाल्डो को किया है और किसको किया है मैंने, किसी और को भी किया है, एक दो लोगों और भी किया है मैंने जो करीबी जानने वाले। अच्छा ये है कैटरीना हो गया है मैंने यार, वो एक बड़ा बढ़िया शो था जब हम लोगों ने ऐसा वो शो किया, हम दो हमारा शो, तो फिर हमने एक शो किया इमरान खान ने जो एम्पलीफायर, प्लीज उसके पहले भी एक शो बताना, इसमें तुमने बुलाया था फैसल कुरैशी को और हसन ने एक पिक्चर लगाई थी यार। एक सेकंड में आ रही हूँ मानी, प्लीज अभी नहीं बताना, मैं आऊंगी पहले, मुझे तेरा जरा एक मिनट की आ रही है, मुझे आवाज आ रही है। तो एक शो आज हम यहाँ आज हम जो फ्लैश कप खेलने, आपने वो जो गाना है यूनुस दानी के रूम टुम्बा वो आपने निकालना है, उसको आपको किसी तरीके से वो गाना हमें भेजना है, मेरे डीएम पे भेजें मानी पाकिस्तानी पे आप जाएं और मुझे भेजें, क्योंकि डीएम जो है मैं ही पढ़ रहा हूँ, हेरा के पास जो 5-8 हज़ार मैसेज आते हैं एक ही दिन में वो नामुमकिन हो गया उसके लिए पढ़ना है। हेरा वाली बहुत मुश्किल है ना डीएम पढ़ना, डीएम पढ़ना मुश्किल है वाली, बहुत मुश्किल है, कई हजारों मैसेज आ गए हैं बेसिकली हजारों, मेरे लिए ही नहीं बल्कि तमाम मैट्रिसेस के लिए कुछ मुश्किल ही होगा डीएम पढ़ना। आई थिंक साहिर को ले लें आज लाइव शो में, उसे पूछो साहिर अगर इंस्टाग्राम चला, अपने खुद भी शो पे होता है। हां तो ये जो है मैं तुम ये फोन पकड़ो मैं मैसेज करती हूं, तो ये हुआ। अच्छा उससे पहले तुम जो था तुम बोल रही थी हीरा की तबीयत कैसी है, नूरुलैन सेट है हीरा की तबीयत में कुछ ठीक है लेकिन अमेरिका मुझे, तुर्की अच्छा, मुझे टर्की पसंद है, मुझे इस्तांबुल।
क्यूट मानी, तुम अपनी तरफ रखो ना कैमरा, मैं अभी मेंशन करूं। बहुत बड़ी हो गई है, मैं माफ करें। अच्छा हैरा, आपकी मानी भाई से प्यार कैसे हुआ? बेटा ये बहुत दफा बता चुके हैं, इस पे 5-8 शो तो आपको मिल जाएंगे। अगर देखिए हैरा मानी का प्यार कैसे हुआ तो उस पे आपको 8 रेफरेंसेस और 12 शोज मिल जाएंगे। एक उमर शरीफ का शो भी होगा जिसके अंदर अली, ये क्या नाम है, मैसेज का जवाब भी दे दें। आपने जवाब नहीं दिया, मेरे मैसेज चेक करें, और डीएम पे मैसेज कर दे। सिंपल एक तरीका है, जितने लोगों ने कोई काम की बात करनी है भाई ना, मैं तेरे साथ मूवी बनाना चाहता है। हाँ, तो आप जो है सागर भाई कॉन्टेक्ट। अच्छा मैं तुम्हें एक वाक्य सुनाता हूँ, एक वाक्य सुनाता हूँ कि ये जब 2007 में मैं जब गया इंडिया, तो मेरा दोस्त है यूनस खान, सबको पता, जरूर कुछ जानते हैं, पता यूनस और हम बड़े पुराने दोस्त हैं। हम दिल्ली में थे तो यूनस करेगा अरबाज भाई आएंगे तो उनको तुम मिल लेना। कौन अरबाज भाई आएंगे, कोई होंगे अरबाज? काश मैं वो वर्ड बोल सकती। वो हुआ ये कि फिर, अच्छा देखिए ये एक पाकिस्तानी सोच। अब देखिए अब मैं ताज होटल में रुका हुआ था, इंडिया में दिल्ली में मैच था पाकिस्तान के, दो दिन बाद तो बेल बची तो अरबाज भाई अंदर आए, तो मैंने कहा ये तो यार अरबाज खान है, सलमान खान का भाई। वो आके बैठ गया, वो खिलाया हुआ था, आके बैठ गया। अच्छा बिल्कुल हम्बल और शरीफ आदमी, इतना हम्बल शरीफ आदमी मैंने नहीं देखा। वो आके बैठा तो उन्होंने बोला यूनुस भाई मैंने वो आइस बात लेने घंटे बाद आएंगे। तो मैंने यार मैं क्या करूँ, टीवी देख रहा था बैठ के मैं। अच्छा तुझे बता रहा, मेरा तो मसला है ना, कोई सुपरस्टार भी होगा तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता, तो मैंने टीवी लगा लिया। मैंने चाय पियेंगे आप चाय, ठंडा चाय कहते चाय मंगा लें, तो वो मिक्स टी हमने मंगवाई। उसके बाद बात शुरू हुई अरबाज खान से, और उसने कहा आप क्या करते हैं? मैंने, मैं टेलीविजन पर होता हूँ, पाकिस्तानी स्टार, आप बिलीव मी नॉट। जैसे वो पलट के उसने मुझे इंपॉर्टेंस दी, ये अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको इंडियन स्टार्स की। और फिर हमने बातें शुरू की हैं, और बातें करने के बाद वो यही होता है नहीं, यही होता है हाँ। वो इतफाक से इंटरव्यू लेने के लिए यूनुस खान आया था, तो वो कमरे में ही आ गया नॉक करके। अभी यूनुस खान बाथरूम में थे, जब वो आया तो उसने कहा यूनुस भाई किधर है? मैंने कहा वो तो अरबाज खान बैठा था। उसने कहा कि अरबाज खान आप भी दे दें कुछ, तो उसने बोला ले लें। उस टाइम भी इनका बहुत बड़ा टाइम चल रहा था, सलमान खान की फिल्में बाल इसकी गिर चुके थे, अभी उसने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाया था, जबकि बात है। और अरबाज का भी बुरा टाइम भी, सलमान का बुरा टाइम भी, अरबाज का भी बुरा टाइम, और इनकी फिल्में फ्लॉप थी। वांटेड भी नहीं आई थी मुझे याद, 2007 वांटेड से थोड़े दिन पहले की बात है। सलमान भाई की और तेरे नाम पार्ट 2 आई थी, तो वो बोला था बड़ी अच्छी है, बेचारे वो महूम जो थे। तेरे नाम पार्ट 2, अच्छा तेरे नाम पार्ट 2 राधे, राधे जो हमारे वो बने थे, जो हां इंतकाल हो गया, तो मेरी अरबाज खान से बात हुई। तो अरबाज खान ने बोला भाई मैं कराची में, मैं हम एक महीने रुके, डेढ़ महीना दो महीने हम रुके थे, मैंने आंखों को धके थे, सलमान मैं सुहेल छोटा था और अबू और अम्मी सब आए थे, चचा या मामू किसी की शादी नहीं, कह रहे शाह फैसल कॉलोनी में रुके थे आगे। और सलमान खान को वहाँ प्यार हुआ था, सलमान खान की लड़की से प्यार हो गया था वहाँ पे, ये मुझे खुद उसने बताया है अरबाज खान ने। और वो मैंने क्या किया, जब वो यही आया तो मैंने वही जो आधे घंटे जो बातें हुई थी, मैंने वही बातें रिकॉर्ड भी कर ली थी, और उसे बताया कि हमें जरा मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा किशोर की इंटरनेट ही चल रहा है, जरा शक्ल दिखाओ, इधर आओ जरा इसकी शक्ल दिखा सकते हैं आप, जब बच्चों का घर के अंदर क्वारंटाइन में इंटरनेट ना चले, पुराने जमाने में जो फिल्मों में हीरोइनें नहीं होती लेट थी, इधर दिखाओ इब्राहिम जरा शक्ल दिखाओ, मुजम्मिल क्या हुआ है, मुजम्मिल बेटा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड मुजम्मिल, क्या हुआ है, ईपीटीवी वाला था, व्हाट हैपेंड, सॉरी व्हाट हैपेंड बेटा, व्हाट क्या हुआ, ये क्या होता है वैसे यार, ईपीटीवी ये हर माँ का मसला ना, जैसे बच्चों से कनेक्ट करती है इंग्लिश बोलना चाहिए, उनका अपना होता है ना, बच्चों ने खुद ही बोली होती है, कहता है बच्चा बोल ले। तो खैर वो हुआ ये कि फिर अरबाज खान का मैंने इंटरव्यू लिया, मुजम्मिल एक सेकंड, मुजम्मिल शक्ल तो दिखा दो यार, एक सेकंड, और फिर हम उसके बाद खुदा कॉलोनी गए थे उसके तरफ, कौन है, कौन है, अच्छा ओके ओके, तो खुदा कॉलोनी में रुके थे उसके बाद, वो एक जहाँ पे तुम लोग शूट करते हो ना,
थोड़े अच्छे लोग थोड़े वहाँ के अमीर जहाँ पे एयरवे वालों अमीर घर तो ये उस तरफ की रुके थे वहाँ पे और आप बोलो डिजर शिफ्ट हो गए 2007 में। ये सारी बातें मैंने रिकॉर्ड की जब मैं आया ना तो मेरी बहन ने बोला था तुमने इसी लूजर का इंटरव्यू करा था जला दो यार। ये हुआ था देखिए ये कितना दोलापन था उस टाइम पे उनका टाइम बोला था तो ये होगी बात तो मेरी बहन ने बोला कि जला दो टिक जला दो ये अपने शो पे नहीं लगाना मेरा शो देता था मानी इज्म मुझे याद है हम लोग जाके मिले थे हम लोग जहांगीर भाई तंग के घर पे खाना खाने गए थे वहां पर मुझे मुझे पता नहीं लगता है कि उपन पटेल एक उनका मॉडल था बड़ा मशहूर वो उससे मेरी दोस्ती हुई थी वो भी आया था उपन पटेल तो मॉडल है तो उपन पटेल ने मेरे को बोला कि तेरे को ना बॉलीवुड में एंट्री होने का ऐसे बोला तो मैंने कैसे कहता तुम सीधा बोलते हो तेरे को ना मसला नहीं है मैं 2 साल से लगा मेरे को नहीं बोला अंग्रेजी उसकी सही थी उर्दू में उसकी वाट थी। अच्छा अरबाज सलमान सुहेल का मसला ये है कि ये लोग उर्दू अच्छी बोलते हैं बाप की वजह से मेरा मुस्लिम फैमिली है और उर्दू उनकी अच्छी है तो उसने बोला तेरे को तो कंफर्म। अच्छा 3-4 लड़कियां आई लंबे लंबे करके थोड़ी डार्क डार्क सी जो इंडियन मॉडल्स होती हैं मुझे पता नहीं लग रहा था दीपिका वगैरह में नहीं लेकिन दीपिका जब उसकी बात की होगी दीपिका तो बहुत बात में नहीं वो मॉडल्स थी यू नेवर नो यानी आपको मैंने बिल्कुल साइड पे जो है रख दिया मैंने कहा कि हम उससे बड़े स्टार हैं अपना बोला अपना एक सोच थी कि अपना क्या ये याद है कि हम थाईलैंड में थे बहुत सारी बातें हम लोग बैंकॉक और मैंने वो हरकत की थी जो मेरे साथ अब लड़कियां मिलके करती हैं। मैंने वो हरकत की थी हुआ ये कि मैं और हीरा पहुंचे श्याम पैरागॉन एक जगह बैंकॉक में रात के वक्त वहाँ पे हम लोग आईमैक्स था और मुजम्मल भी था मुजम्मल भी था और हमने देखी थी 2012 फिल्म 2012 की बात है तो हमने वो फिल्म देखी जब हम पहली दफा बैंकॉक गए थे उस बैंकॉक पहले फर्स्ट टाइम तो हुआ ये कि वो फिल्म देखने के लिए बैठे और रात का टाइम था 10-11 बजे का शो था खाली सिनेमा हम दोनों अकेले और बच्चा मैंने कहा क्यों आगे बैठ गए तो जब देखा एक और एक गैंग आया और वो सीधे हम आगे बैठ गया कोई फेमिलियर सी फेसेस भी थे एक चाइनीज शक्ल का लड़का था उसके अंदर या चाइनीज शक्ल का इंडियन एक्टर भी था वो फिल्म भी है वो बताएंगे फिल्म आपने गेस कर ली तो वो आया और तुम्हें पता है नहीं मुझे नहीं पता मैं फिल्म में वो उस फिल्म में अच्छा खैर उसके बाद ना हीरा ने मुझे हाथ मारा हीरा उस टाइम पे आती थी हम लोग हमारा शो में शायद नहीं नहीं कुछ भी नहीं अभी स्टार्ट नहीं तो हीरा ने हाथ मारा हीरा ने बोला कि यार अनुष्का शर्मा अनुष्का शर्मा मैंने कहा कौन है अनुष्का शर्मा अच्छा मुझे नहीं पता बोटॉक्स से पहले वाली हाँ लेकिन नहीं मुझे मैंने उसकी वो फिल्म नहीं देखी थी शाहरुख खान वाली जो हिट थी दिमाग बिजी होता है आपको शाहरुख खान भी बुरा लिखना शुरू होता है आमिर खान का फैन था मैं तो वो बैठी थी भैरा ना थ्रू आउट द फिल्म ना की इससे बात करते ना बात करते हैं और वो लोग बैठे हुए लोग भी बातें कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से दो तीन लड़के दो लड़के थे अनुष्का थी लड़के भाई थे जो फिल्म में थे तो और वो फिल्म बैंकॉक में ही शूट हुई है फिल्म बैंकॉक में शूट हुई आप अंदाजा लगाने से मेरा नाम है ये हम अपने वाकया साथ शेयर कर रहे हैं कुछ है नहीं करने के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है तो बात तो हुआ ये कि फिर ना वो फिल्म खत्म हो अब हीरा के अंदर का फैन और जाग रहा है कि मुझे इससे तस्वीर खिंचानी उस जमाने सेल्फी नहीं होती थी उस जमाने में सामने से तस्वीर और सेल्फी हीरा को मैं जब से जानता हूँ सेल्फी की इजाजत से पहले हीरा सेल्फी नहीं यानी कि उस जमाने में भी हीरा फोन उल्टा मोड़ के सेल्फी मिलती थी तो इसको ये एक्सपर्टीज थी तो हीरा ने बोला तस्वीर खींचना बहुत चीप कर देता है क्या चीप कर देता है अच्छी बात नहीं अच्छा मानी ऐसे ही होता है मैं अजीब उतावली हो गई थी हीरा ने कहा यार इतना बड़ा घूमट है जो भी है तो उसके बाद उस तस्वीर खींच पाई जब वो तस्वीर हो गई तो उन्होंने बोला आप खिंचवाने तो मैंने एक और तो मुझे ऐसे देख रही थी
और मैं जैसे थोड़ी तुम मोटी देखती थी, जैसे मैं अपने फैंस को नहीं, ऐसे लेंगे पिक्चर ऐसे, इसमें हमारा मुंह छोटा ऐसे तो कटके हुआ लगे। ये कि फिर हम नीचे उतर गए। मुझे याद है हमने बहुत ज्यादा शॉपिंग की थी इब्राहिम मुजम्मल की, और ये 2012 2012 2010 है ना, नहीं, क्या 2000 हो गया, 12 में तो मुजम्मल 5 साल हो तो गए होंगे। 2010 में 2012 के साल नहीं, थे। 2010 फिल्म का नाम 2010 था, 2010 था ना, अच्छा ऐसी फिल्म आई तो 2010 2010 नहीं, तो फिल्म, 2012 ही था फिल्म हाँ का नाम लेकिन था, जरूरी लेकिन थोड़ी कि आई 20 2012 में आई, 2010 में आई थी। 2010 में आई। हाँ ठीक है, तो मुजम्मल 6 साल का था हाँ ना, एक हाँ साल ऐसे ही था। तो हमने बहुत सारी चीजें ली थी। मुझे याद है एक फोन भी था जो कि उसके अंदर सिम थी, एक फोन हाँ मेरा था एक फोन हेरा का था, और वो हाँ थे सोनी एरिक्सन के वाले फोन जो खुलते थे, और हाँ, याद और अब है। मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, हाँ, वो कि ये फिर क्या हुआ, कि अचानक से क्या हुआ कि तुम्हें अचानक से क्या हुआ, नीचे जब उतरे तो हाँ मैं टैक्सी के अंदर मेरा सामान डाला, तो तुमने क्या बोला, मुझे दोबारा तस्वीर खिंचवाई। तो क्या हाँ किया तुमने अनुष्का शर्मा को, क्या बोला कि मैंने बोला एक कि और। एक और पिक्चर ले ले, तो उसने ले ली थी वही ना जिसमें बता तो दिया कि जल्दी। हाँ, जब वो हुआ तो बाय द टाइम मैं पीछे मुड़ के मैंने देखा, मैंने कहा यार मैंने चलो कहा एक मैं, सेकेंड मारी रुको, मुझे एक और पिक्चर लेनी है क्योंकि मैं इसमें मोटी आई हूँ, तो मैं दोबारा उसके पास गई। इन द मीन टाइम टैक्सी में इब्राहिम मानी मुजम्मल को भी बिठा चुका था और बैग भी रख चुका था। तो मैंने मुजम्मल को उठा लिया, हाँ उसने और मुजम्मल को उठा लिया और बैग छोड़ दिया, और उस बैग में हम दोनों के फोन थे। नहीं मेरा फोन था, हेरा हेरा का फोन था, मेरा नहीं था। अच्छा मेरा और फोन वो था। ये कि वो हाँ गाड़ी जो थी, जब मैंने बोला हेरा चलो ना, वो लोग भी खड़े थे टैक्सी के इंतजार में, वो भी टैक्सी के इंतजार में खड़े थे, लेमोजीन नहीं थी अपने पास। तो जब मैं पीछे मुड़ के मैंने देखा तो वो टैक्सी वाले, अब वो भी परेशान हो गए, हम सब सर अनुष्का शर्मा परेशान हो वो गए भी थे कि परेशान, बैग क्या चले हुआ क्या गए हुआ। तो मैंने कहा क्या है यार, तुम पागल तो नहीं हो, तस्वीर के और चक्कर में ये लग मुझे गई, डांट रहा है, वो तस्वीर के पीछे चक्कर खड़ी में, हुई है, तस्वीर पागल ज्यादा तो नहीं, तस्वीर खिंचवाना, बैग चला बैग गया, चला सामान चला गया, गया। बच्ची तो ये फैन मोमेंट था, उसने अनुष्का अनुष्का नहीं को हो गया, क्या जिद करती है, जिद करती है। आप और फिर उसने फोन किया, कोहली को फोन किया, और फिर बताई सारी बात की भाई ये हो गया, कोहली फिर नहीं टीम में भी कोहली नहीं ऐसा आया नहीं था। था। तो ये हम कुछ तो हमारी वाकया हमारी जिंदगी में बड़े अजीब अजीब से किस्से हैं वाकया वाकया यार, मजा आते के वाकया थे ना मानी। तो इसलिए आपको ये गाना लगाना है, ये पापी छूलो, ये जो गाना है आज का आपका, हाँ आपका टुडे टास्क, सॉन्ग इज आज पापी का चूलो। जो टास्क है आपका, इस गाने को निकाल के आपने हमें डीएम करना है, या मुझे जिसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है मुझे व्हाट्सएप कर दे, क्योंकि अच्छा मानी लोगों ने सवाल किए होंगे ना, हमें पढ़ने नहीं चाहिए क्या? करो ना। करो ना, मूवी नेम बदमाश कंपनी, बात कर दी आपने, अच्छा हाँ, ये उसमें शाहिद कपूर भी था, शाहिद कपूर भी था, बदमाश कंपनी थी वो। गुड मॉर्निंग, किसी मुल्क में हो रहा अच्छा होगा। ओके मानी भाई, यू आर सो क्यूट। अच्छा किसने कहा, रुखशान ने कहा इधर भी बात कर लो, किधर इधर भी मानी खोलो ना अपना इंस्टाग्राम, फिर मेरी कोई स्नैपशॉट ले लेगा, मेरी आंखें महंगी हो जाती है, तुम तो पकड़ो मैं हाँ, अपने तुमने मैसेजेस, भाई वो मैंने लगवा लो तुम इस भाई, साइड पे आके पकड़ सकते हो, इस साइड से ऐनक लगानी जरूरी है। गुमटुम्बा गुमटुम्बो। अच्छा पढ़ो, अच्छा मेरी ये जिंदगी हमारे कॉलेज कुछ में है, लाइफ के आपसे वाकया, बात तो करनी, अच्छा फिर क्या हुआ कि वो अरबाज खान वाला जो वाकया हो मेरी गया, जिंदगी की ख्वाहिश है आपकी, क्यों फोन तुम्हारा कर गया? और बाय द वे कश की तारीफ की है अम्मा ने, जिससे यार मुझे हाँ बड़ी खुशी अम्मा मुझे है, बड़ी पसंद है, वैसे अम्मा मुझे बड़ी पसंद हम है। लोग और अक्सर देखते जब हैं। ये शोर शुरू हुआ था ना, तो मैंने कहा मानी अब कश होने वाला है, मेरी किसी भी दिन रेड लग जाएगी, कोई भी दिन होगा कि अम्मा ने मुझे उठा के पटक देना है। लेकिन अम्मा ने जब बोला कि क्लैपिंग कश के लिए थम्स अप, अम्मा आप मेरा दिल ले गई हैं यार, थैंक यू। अम्मा जी ने है ना, वो बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे याद है हमने। तो खैर ये कुछ बात हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको वो टाइम जब हेरा होस्ट थी, हेरा ने हेरा होस्टिंग शुरू की थी होस्टिंग, मेरे साथ, तो हेरा कितनी डरती थी इतना, अच्छा ये डरती भी नहीं थी, इसको कॉन्फिडेंस था कि वो मैं कर रहा हूँ, तो मेरे साथ बैठी होती थी तो ये कुछ भी कर लेती थी, अच्छा हाँ तो ये इसलिए वो उस टाइम में भेंट हो गई थी, है नहीं ना। तुम्हारी बहुत बड़ी सपोर्ट थी मानी मुझे, हाँ मैं मुझे याद है जब मैं हम दो हमारे शो के बाद, जब मैं एक सोलो शो पे गई थी जो मैंने भाई न्यूज़ पे किया कुछ था, दिन कुछ वो महीने शो मैंने वाट लगा दी थी स्टोरी पहले दिन, मैंने नहीं नहीं पहले दिन जो है वो
तुम लोग थे सारे, तुम और बरकत जब तो सही था। सेकंड डे थे अमजद साहब, ये अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और अमजद साहब भी मेरे सामने बैठे और मैं यूं थी, तो मुझे जीजे का फोन आ चुके, हेरा के क्या कर रही हो तुम, ब्रेक में जीजे का फोन आ, हेरा मैं जीजे जो है वो एआरवाई के हेड है और वो एआरवाई में जितने भी काम होते हैं वो उनके थ्रू होते हैं, जिस तरह मैं मुना से देखी हम टीवी पे होती है, जिस तरह मोमना भाभी जो है वो हम टीवी एमडी प्रोडक्शन की होती है, अब्दुल्ला का जो है वो जियो के होते हैं, इसी तरह जीजे जो है वो जीजे एआरवाई पे होते हैं। जीजे ने मुझे कॉल की, जीजे को सिर्फ अपनी बातें बता दी, आखिर में उसका फलसफा उसी का। हाँ खैर दोस्त है हमारे। अच्छा तो अब क्या हुआ कि उसके बाद ना मैं ज़ारो कतार हुई हूँ, मतलब मैं जेजे के ऑफिस में बैठी भी हूँ यहाँ पे, हाँ बाद यूसुफ बैठा हुआ जो एवर न्यूज के है, नहीं अब आप मुझे नहीं पता है थे, और यहाँ पे जेजे और मैं रो रही हूँ और टिश्यू का डब्बा सामने रखा। जेजे ने कहा अच्छा, अब मैंने घर आई, जीजी ने कहा हेरा क्या हुआ तुम रो रही हो, मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं देखा, सब ठीक है तुम रिलैक्स हो जाओ। मुझे सिर्फ ये डर था कि मानी जो है अब नहीं है और अब मैं कैसे करूंगी ये शो, अब मैं बोल रहा हूं कि करो हेरा तुम बहुत अच्छा करी थी, बहुत अच्छा करी थी, तुम बहुत अच्छा करी थी, बकवास नहीं करो, शो कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी यार। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ था, फिर ना मैं घर आई तो मेरा फोन बंद, अच्छी जिम मैंने पाकिस्तान में किसी को करते देखा, किसी औरत को मैंने पाकिस्तान में तमाम औरतों को जिम करते देखा है, इतना स्टैमिना, इतनी डेडिकेशन, हम सबकी आइडियल है। दो बच्चों के बाद सिक्स पैक्स लाना, मैं इन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया कि भाई दो बच्चों की माँ सिक्स पैक्स बना। सना करती कहती सना खाती बहुत थी पहले, तो उसकी वो उसको वो चीज रिजल्ट नहीं मिल रहा था, बिल आखिर उसने अपनी डाइट पे कंट्रोल किया और आज सना फखर एक आइडियल है, खुद अपना एक प्रोग्राम कर सकती है फिटनेस का। अच्छा मानिए अब हम मैसेजेस पढ़ते हैं। अच्छा मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ क्योंकि मैंने दोबारा फोन ऑन किया है। मेमोरीज मजे की हैं, हाँ रूट मेमोरीज वाकई मजे की होती है। क्यूट बेबी हीरा, हीरा आप मर जाओ आपके ऊपर, आपने मेरे लिए फरिश्ता हूँ, आई लव यू, थैंक यू। अच्छा आयशा सुहेल, हीरा हाउज योर फैमिली डूइंग, एवरीथिंग इज डूइंग गुड, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। नूरलैन ने मैसेज किया, माने मुझे थोड़ा मैसेज, जितने लोग ऑनलाइन है मेरी मदर के लिए प्रे करें, अल्लाह ताला आपकी मदर को जिंदगी दे। दीना इलाइजरी हेलो, अच्छा हाय मैम आई लव विद, हीरा मैम आई एम इन लव विद कश, यू नेल्ड इट, बिग फैन, प्लीज टेक माय नेम। महनूर वानी आप व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दें प्लीज, व्हाट्सएप नंबर आपका मेरा डीएम पे। आमना चौधरी माय लाइफ बिग ड्रीम टू टॉक टू यू, हाय। अच्छा हीरा द बेस्ट, आप ही लव यू, लव यू टू हीरेनियंस, कितने मजे का नाम है ना मेरा हीरेनियंस, आई नो मैं आज आप लोगों के पास फैन पेज पे आ रही हूं हीरेनियंस। हां मैं वो हीरा के रोजाना मैसेज आते हैं, प्लीज उनसे बोलिए, आप किससे बोलिए, स्टैटिक डॉट हीरा प्लीज कांग्रेचुलेट मी, मेरे मेरी पेज को 1 ईयर, अच्छा इसके पेज को 1 ईयर हो गया मेरे पेज, उमर सीरीज देख रहा हूँ आजकल, लोग उर्दू में, उर्दू तो नहीं है हिंदी है लेकिन अंग्रेजी में बहुत आला है, किसी ने देखी तो देखे, बहुत सही वाली सीरीज है, 2013-14 में बनी थी,
लेकिन अब ऐसे ऐसे बहुत पॉपुलर हो रही है। अगर आपने कहीं सही कोई चीज़ देखनी है, और वो MBC पे चल चुकी है, अरब चैनल पर सारे चल चुकी है, साउथ अफ्रीका में चल चुकी है, जनूबी अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन तमाम जगहों में चल चुकी है। तो ये अभी एक सीरीज़ है जो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, अगर किसी ने देखनी है तो देखें। और सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बाल जब आपके बालों में बॉडी ना जब दो ड्राई ना हो, दो ड्राई किसकी तरह तुमने जब बालों पर किए थे इंग्लिश की, तो कोई हंस रहा था क्या? कर्म किसकी छोटी थी अच्छा मैंने ऐसे जो मारे थे, हाँ ये मैं बहुत कटती हूँ मानी के साथ जी, बैठे बैठे बाल ऐसे मारते थे, वो कभी सर नहीं लगा शुक्र है, नाक ही टूटी मानी। अच्छा किटू कैट ने लिखा है, किटू कैट ने लिखा आई एम सो हैप्पी टुडे, आई कैच लाइव फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम, आई लव यू आपी, हाय आई एम अ बिग फैन। सज्जाद जरदारी, महम मोहम्मद खान, माइक्रा शेराबी, फरहान अजमी, एक मैसेज में यार कोई सवाल भी नहीं कर रहे आप, सवाल कर रहे हैं यार, सवाल करते हैं कि हम अपनी लाइफ की थोड़ी सी स्टोरी आपको बता रहे हैं जो कि हमारे शोज की स्टोरी है। बहुत से लोग कहते हैं ना हम इतना बोलते क्यों हैं, हमारा जो बत्ती जो ऑन होती है ना, वो कैमरे की बत्ती जब ऑन होती है हमारी बत्ती ऑन हो जाती है, असल लाइफ में हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, हम बड़े नॉर्मल चिल ड्रैग, और कभी कभी बिल्कुल ही, मैं तो बहुत टेलीविजन की चीज़ें देखते रहता हूँ, हेरा का अलग है, हेरा की टीवी टेम्परमेंट जीरो है, हेरा से अपना ड्रामा तक नहीं देखा जाती, हेरा ये हेरा मैं बताऊँ तुम्हारे बारे में, हेरा से एक फिल्म नहीं देखी जाती पूरी, हेरा ने शायद कोई भी फिल्म पूरी नहीं देखी होगी, जब भी मैट के अलावा मैंने नहीं देखा किसी फिल्म पूरी देखी, हाँ यार इससे कोई फिल्म नहीं देखी जाती, इससे कोई चीज नहीं देखी जाती, मनी हाइस्ट इससे नहीं देखी पूरी, इससे नहीं देखी गई मनी हाइस्ट, तो मैंने देखी, और इसके अलावा इससे चीज़ें नहीं देखी जाती, ये कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, आप लोगों की प्रॉब्लम ठीक करना है, जितनी फैम नहीं रहते, जबकि मैं जो हूँ सीरीज भी देख लेती हूँ, मुझे सीरीज से नफरत हो जाती है, जो लोग कहते हैं ना ये अच्छी है मैं वो ही नहीं देखता, मैं सवाल ढूंढ रही हूँ कोई एक काम का सवाल, काम का सवाल देख लो अल्लाह के पास थे, सेकंड दोनों सेवंथ में अच्छे लगे हैं, तो अच्छा सवाल आप लोगों के नहीं थे, हाँ सवाल नहीं थे फिर वो अच्छा तो अभी हमारा आना सही बनता था, क्योंकि आप लोग अच्छा आप नेक्स्ट टाइम सवाल लिख के लाएंगे, वो यूनुस जानी वो गाना निकालना और वो यूट्यूब से वो शो निकालना है जिसके अंदर मरीना खान, माहिरा खान, हेरा मानी और यूनुस जानी थे, डेली मोशन पे शायद मिल जाएगा, डेली मोशन पे मिल जाएगा आपको या यूट्यूब पे मिल जाएगा। हाँ। अब आपने कुछ लिखना है इस तरह से कि वो निकालें, फिर मुझे DM करें या मुझे वो लिंक DM कर दें, या फिर वो मुझे वो निकालना नहीं आता यूट्यूब से, वो तरीका नहीं आता मुझे, तो कोई मुझे भेज दें, बहुत से लोग फूल नजर आ रहे हैं, साहिल लोधी, साहिल लोधी ने हमें फूल भेजे हैं, हमें फूल भेजे हैं, तो थैंक यू साहिल, कलम बिलाखिर किसी शो पे गए सालों बाद, शो पे मतलब लाइव, मतलब अपने घर से ही, हाँ स्काइप पे से गए थे साहिल लोधी शो पे, तो और क्या बात करेंगे ना, और बात रह नहीं है, मजे मजे की चीजें, शो मुझसे अकेले हुआ नहीं, मैंने किया दो साल किया, मैं सुबह उठ नहीं पाती थी, मैं उस वक्त बहुत ही ज्यादा ये काम आता है क्योंकि तुम अच्छा करती हो, तो इसलिए जो है तुम कर रही होती हो, अगर तुम बुरी वाली होती है ना तो तुम फारिग हो चुकी होती हो, और मैं दो चार दिन पहले मर नहीं रही थी, वो हम दो हमारे शो को भी करते हैं, देखते हैं इसको भी करके, मेरे कौन से लोग जो हम लोग हमारे शो में आते थे जो सुपर हिट हो गए, ऐसे कोई लोग जो फिर ऐसे से बड़े हो गए, हम कौन थे सारे हैं नहीं, आजकल की जो गर्ल्स हैं हानिया, ये तो बात में आई है, ये तो अभी आई है ना, मुझे याद है इकरा, हमारा शो भी देखा होगा इन सबों ने भी, हां तो इकरा हानिया, इकरा हानिया तो हमारा टिकटॉक स्टार है, हां हानिया टिकटॉक स्टार है, टिकटॉक की वही लड़की है जो बोल सकती है, हाँ, हाँ, टिकटॉक की भाई लड़की जो बोल सकती है, हाँ, और
बाकी टिकटॉक से मैं पकड़ लेती हूं और कौन टिकटॉक से आ रहा है टेलीविजन पे तो आ रहा है आप देखिए भैया जो टिकटॉक स्टार जो मशहूर हो टिकटॉक के ऊपर मुझे हानिया को देखिए खुशी होती है एक मेरी बात किसी को समझ नहीं आती हानिया की बात किसी को समझ नहीं आती बहुत से लोग मुझे सारी जिंदगी कहते रहे आप इतना तेज क्यों बोलते हैं आप तो तेज क्यों बोलते हैं और यही जब जुमला हानिया को बोलते हैं तो मुझे बहुत दिली तस्कीन पहुँचती है कि कोई मेरी बहन आ गई जिंदगी में एक तो मानी जूनियर आई जिस जो बहुत तेज बोलती है जो जुमले भी खाती है मेरी तरह दबा के क्योंकि हम रिपीट के दौर की ईजाद है हानिया और मैं रिपीट के दौर की ईजाद है यानी कि हमारा ड्रामा रिपीट होता है हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है तो उसके यहाँ ये मसला ही नहीं अच्छा अदनान खान प्लीज से हाय हाय अदनान मॉर्निंग रूटीन बताएं और आजकल तो रूटीन आउट हुई है हम लोग वो जो राशन वाला जो हाँ भाई तो एक चीज बताने तो थी इन दिनों जो हम नहीं आए बीच में तो एक बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू जो हमारा हुआ हुआ था जो COVID-19 जब स्टार्ट हुआ लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ उसके कोई 3 या 2 दिन बाद हमने राशन का सिलसिला शुरू किया जो कि हमें लग रहा था 10-12 दिन में खत्म हो जाएगा लेकिन अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि अल्लाह का एहसान है कि रमज़ान भरपूर तरीके से चल रहा है आप लोगों की दुआओं से आप लोगों की मदद से बेशुमार ब्रांड्स की मदद से हमारी अपने एफर्ट से हमारी टीम नुसरत नूर और बेशुमार आदि बेशुमार दानियाल ये तमाम रफीक शाजिया और बहुत सारे लोग हैं फ्रेडी इसमें हो गया जो जिसने कुछ एफर्ट की मदद सैयदा आंटी साद जो मेरे दोस्त है फिर क्या नाम उसका असद जो मेरे दोस्त कैनेडा में रहता है सर बेशुमार लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया पाकिस्तान नेवी जिनका बहुत जितना शुक्रिया अदा करें काम है जिन्होंने हमें चीनी दी और इसके अलावा बेशुमार नदीम हमारा बड़ा अच्छा दोस्त जिसने हमें पाकिस्तान नेवी से मिलवाया बल्कि वो हेरा हमारी तबीयत खराब थी अभी तो हम जा नहीं पाए वहाँ पे तो चले जाएंगे अच्छा रबिया अनम उबैद Hira, we have to do an interview session together, you and Mani both. ठीक है रबिया रबिया आनम होती है मानी ये एंकर रबिया आनम ने मुझे भी मैसेज किया हाँ ये जो उस पे समा एफएम पे थी समा टीवी पे एफएम पे नहीं है रबिया आनम एंकर समा टीवी पे तो उसने मुझे भी मैसेज किया उसने मुझे उसको आयशा उमर की जो वो है ना फेवरेट फूड जोहा क्यू फेवरेट फूड कोई भी जिससे पेट भर जाए नहीं हेरा को रेसिपी पसंद है चीजें सुशी इसकी फेवरेट है और इसकी फेवरेट है सी फूड इसको बहुत पसंद है इतने मजे के प्रॉन्स बनाए थे हेरा ने 10 दिन पहले हेरा 10 दिन पहले जो तूने क्या हेरा को एक बार बताऊँ मैं तारीफ अपने मुंह नहीं बैठू हेरा के हाथ का खाना खाने बिलीव मी उंगलियां चाटते रह जाएंगे इतना अंत दिल से जब बनाए तो दिल से जब बनाए तो वरना इसकी हट जाती है किचन में जाती तो कहती मैं नहीं बना रही मुझे नहीं बना तो हेरा ने इस मतलब हमने जो जो खाना किसी रेस्टोरेंट में बड़े खाया है मानी भाई YouTube चैनल का बना रहे लोग डर के मारे हमारे टीवी को स्टार डर के मारे खौफ के मारे YouTube चैनल बना रहे जल्दी जल्दी कि कहीं काम धंधा बनना हो जाए ऐसी बात नहीं है भाई अभी दिल्ली बहुत दूर है अभी बहुत टाइम पड़ा है इंशाल्लाह सब चीज़ें सही हैं कंट्रोल में हैं और YouTube चैनल भी बना लेंगे इंशाल्लाह जिस दिन बनाएंगे सबको वहाँ ले जाएंगे जितने 4.25 मिलियन लोग हैं ये सब वहाँ आएंगे इंशाल्लाह और हमें वहाँ देखेंगे जब हमारा पहला ड्रामा मेरी तेरी कहानी जो हम बना रहे हैं दोबारा जब हम यूट्यूब के लिए बना रहे हैं जो कि ये ड्रामा आपको यहाँ नहीं मिलेगा सिर्फ आपको प्रोमो मिलेगा यहाँ पे आपको दिन के लिए वहाँ जाना पड़ेगा ये एक्सक्लूसिवली इंटरनेट की ड्रामा हम बना रहे हैं उमर इस इसके डायरेक्टर होंगे हेरा मानी इसके अंदर दोबारा होंगे इस बार मुजम्मिल इब्राहिम होंगे इसके अंदर अंकल हैं हेरा के अबू हैं इसके अंदर उबैद उमर मेरा भाई उबैद हेरा का भाई सिर्फ फैमिली के लोग हैं जो करीबी लोग हैं और टीवी के स्टार्स जो कि हमारे करीबी दोस्त हैं जो जानने वाले हैं जो जो आ सकता है जिसको हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर आ गया तो आ गया तो नहीं काफी तो ये हमारा ड्रामा आप बहुत जल्द कोविड के फौरन बाद हमारी शूट है हमने एपिसोड्स तैयार कर ली हैं लिख ली हैं 12 एपिसोड्स हमारे हाथ में हैं और हम जा रहे हैं शूट पे और हर 10-12 मिनट की एपिसोड होगी इतना रेल अगर आपको उसका रिकैप देना तो मेरी तेरी कहानी ये तेरी मेरी कहानी आप लिखी है उस पर
हम टीवी या हम सितारा लिख दें, मेरी कहानी हम सितारा पे था और मेरी तेरी कहानी था हम टीवी एयर हाँ, भाई हाँ। और आप लिखिए इसको YouTube और उसकी बेगम जो है ना वो एक होस्ट है, मेरा असफल को इंटरव्यू लिया था ना उसने, वो बड़ी अच्छी होस्ट है, किसी चैनल की है, किसी की याद आ रहा है, एफएम की है, एफएम पे शो किया था FM, लोगों ने 105 हाँ इसी की तो है, तुम लोगों ने अभी शो एफएम पे किया था हाँ उसी की है वो। तो खैर ये वाली सारी चीजें, तो ये हमने आपको सारा कुछ बताया, हमने आपको बताया कि किस तरह से हमने लाइफ गुजारी। तो बहुत से लोग जो करते हैं कि बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि हम करते क्या इसके अलावा, इतना मुश्किल टाइम है, वो जो आपका ये जो राशन बैग वाला सिलसिला, ये बड़ी जिम्मेदारी है और हम कोशिश करते हैं कि हर कोई मिले। लेट्स स्विच द प्लेस, तुम पीछे आ जाओ ताकि ये सही तुम्हारे ऊपर सही आए, ठीक है। आज भाई साहब असफर मैं टीपू जो है वो किसी जगह लाइव है, मैं किस तरह बताऊँ कहाँ पे लाइव है, क्योंकि हम लोग लाइव है, सब सेटे की टीम का इंटरव्यू है आज आज ही है रात को वहीं पे किसी टाइम पे, अमेरिकन कोई चैनल है यूट्यूब का, और मैं कह रहा था कि वो ये भी लोग देखे वो भी देखे, तो बता दो टाइम अभी, मुझे पता नहीं, मैं टीपू से पूछता हूँ, पूछो और फिर आखिरी बात करते हैं, फिर आज की बात यार मुस्तफा को आना जरूरी है यार मुस्तफा से पूछो, अभी आ सकता है इंस्टाग्राम पे, उसको वो बनाना नहीं आता ना, कैसे बनाएगा उसको, इंस्टाग्राम पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे कम है ना वो, नहीं एक सेकेंड, अच्छा हाँ मैं मुस्तफा से पूछो यार, मेरा फेवरेट, आपने फोमेन शो देखा है, देखा ही होगा, उसमें होते हैं मुस्तफा चौधरी जो सारी मिमिक करते हैं यार, पाकिस्तान एक तो वो मिमिक तो वो करते हैं, वो आप टीवी पर जो वो असल जो उनकी पर्सनालिटी है ना, जो ह्यूमर है, हंस हंस के बात हो गया यार, हंस हंस के बंदे को, एक तो जैसे बरकत है ना, बरकत तो जोक्स वाला ह्यूमर है ना, ये सिचुएशन बताने वाला ह्यूमर है, लड़के ना ऐसे सॉरी करते हैं, पकड़ना मारी, अच्छा बाबा सॉरी मेरे सारे जोर के लड़के, और लड़कियों से जिनको पहले वो छेड़ते हैं और वो कहती है कि तुम्हारी माँ बहने नहीं है क्या, तो उसको बोलते हैं अच्छा बाबा सॉरी, क्यूट सॉरी यार मुस्तफा के बाद बहुत बात, मुस्तफा कॉल क्यों नहीं उठा रहा, नहीं उठा रहा, मस्त है ना, वॉक कर रहा हूँ अभी, वॉक करता है वो, नहीं वो बोल टीवी के शो में भी तो है, अच्छा वो बोल टीवी के शो करता है ना मुस्तफा, वो दानिश रहमान वाला, वो उसी वो वहीं पर लाइव शो चल, अच्छा हाँ, तो क्या था मैं कही था, हाँ आज टीवी तो देखता हूँ, क्या शो, बहुत नींद आ रही है मुझे, मैं जो दो भाई है ना हसन और उबैद, कौन है, नहीं नहीं आज है वो कितने बजे है, रात के 2 बजे बस, किस तरफ है लिंक किया मैं, हेरा भी लाइव है इंस्टाग्राम पे तो बता देना ताकि लोग देख ले मेरे पास, क्या है लिंक उसकी, लिंक भेजोगे तो तुम कैसे लगाओगी इसको लिंक को, मेरा वो मैं लगा दूँ, चलो सही भेज दे, भेज वो कॉपी पेस्ट करके लगा दो, ओके स्टोरी पे लगा दो, रात 2 बजे है वो इंटरव्यू असमानी टीपू का, तो वो सबसे थे जो जिन लोगों ने जो अब जो छोटे बच्चे हैं इनको तो नहीं पता ही क्या ड्रामा, लेकिन जहाँ से स्टार्ट हुआ है कॉमेडी पाकिस्तान में 2001 के बाद जो स्टार्ट हुई है, जब नहीं चल रहा है सबसे थे वो ड्रामा था जिसे सब चेंज हुआ है, चले ठीक है अपना ख्याल रखेगा आप लोग, हमारी बातें खत्म हो गई हैं, कल हम शायद साहिल होती की तरह आ जाए, हाँ साहिल बोलेंगे और मुस्तफा से भी बात करते हैं, मुस्तफा साहिल दोनों को लेते हैं, हाँ अच्छा बाबा सॉरी, अच्छा सॉरी आप लोग को जो बात बुरी लगी, अच्छा बाबा सॉरी, आज से सबने ऐसे सॉरी करना, अच्छा बाबा सॉरी, अच्छा और आंखों को भी ऐसे करना, तुम अपना तो मैं करके दिखाऊंगी ऐसे, अच्छा बाबा सॉरी sorry
और आपने वो यूनिसेनी गाना निकालना है, मुझे डीएम करना है। हाँ। मुझे जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई दो चार लोग होंगे वो मुझे व्हाट्सएप पे कर लेना कि फिर मैं कल जो है हम ये लगाए उस गाने को, हमने मिलियन टच कराना है। हाँ। एक मिलियन पे आज आपने देखना है। हाँ, ये करना है सबने। ठीक है ना, ओके बाय, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बाबा, सॉरी 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 सॉरी।